से स्टार्टिंग होता है, ये मेट्रो के जस्ट बगल पे है। मेट्रो जैसे ही आएंगे मेट्रो से बाहर निकलेंगे और मेट्रो से बाहर निकलने के बाद ही आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि सरोजनी नगर मार्केट जब आप आएंगे तो सरोजनी नगर रेड लाइट एरिया आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, रेड लाइट एरिया जाने के लिए आपको कहाँ पे उतरना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम सरोजनी नगर मार्केट पे जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पे एग्जिट हुए और वहीं पे अभी खड़े हैं। और ये सरोजनी नगर मार्केट का जो पूरा नज़ारा आपको दिखने मिल रहा होगा पीछे, तो यहाँ से आप मेट्रो स्टेशन से एग्जिट होंगे और यहाँ के बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे आप जा सकते हैं और किस तरीके से आप घूम सकते हैं। जो यहाँ का रेड लाइट एरिया है वो आप कैसे घूम सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे मेट्रो स्टेशन और यहाँ से रेड लाइट कैसे आप जाएंगे, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इससे आपको पता भी चल रहा होगा बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग करके भी आ रहे हैं और जो अपना काम है वो भी करके आ रहे हैं। तो पूरा भीड़ यहाँ पे हमेशा जो है वो लोगों की हमेशा लगी हुई रहती है काफ़ी संख्या में। सामने मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है यही सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन है, जो कि INA से आपको चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप राजीव चौक या फिर न्यू दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको INA में बदलना पड़ेगा। INA के बाद नेक्स्ट स्टेशन जो होता है वो सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन होता है, जो कि सामने की लोकेशन में है। यहाँ से आप एग्जिट होंगे पिंक लाइन में, ये पड़ता है सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आप एग्जिट होंगे, एग्जिट होने के बाद आप देख सकते हैं यही वो गेट है जहाँ से आप एग्जिट होंगे। एग्जिट जैसे ही होंगे तो उधर की जो आपको उस साइड पे नजर आ रहा है, उधर अगर आप जाते हैं तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी फेमस है वहाँ पे आप जा सकते हैं, उस साइड पे जा सकते हैं। उसके नियरेस्ट में आपको इसी मेट्रो स्टेशन में उतरना पड़ेगा। यहाँ से ऑटो जो ये सामने लगी हुई है, ये बहुत सारे ऑटो ये आपको ले जाएगी, जो कि 20 से 30 रुपए यहाँ से लेगी वो और यहाँ से आपको छोड़ देगी। एंड अगर आपको यहाँ पे सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से आपको मार्केट जाना है तो सामने पीछे के लोकेशन में जैसे ही आप निकलेंगे उसी के सामने में ये देख सकते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है पीछे के लोकेशन में, ये आपका मार्केट जाती है, जो कि सामने यहाँ से स्टार्टिंग होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग होता है मार्केट और पूरी तरीके से बहुत ही बड़े क्षेत्र में है मार्केट, चूंकि काफी संख्या में लोग भी आते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे में जितने भी सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए आए हैं और काफी भीड़ होता है। ऐसा कहा जाता है कि लेडीजों के लिए जो है फीमेल के लिए सबसे बेहतरीन मार्केट है और काफी बड़ा मार्केट है। हमेशा यहाँ पे हजारों की संख्या में हमेशा यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। लड़कियों के लिए खास करके बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि काफ़ी सारे मटेरियल और काफ़ी अलग अलग वैरायटी के उनके ड्रेसेस जो होते हैं वो मिलते हैं। अगर मेल की बात की जाए तो मेल के लिए उतना वो नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो अधिकतर फैमिली वाले या फिर जो लड़की हैं वो अधिकतर यहाँ पे आती हैं। आप देख सकते हैं पीछे में भी आपको नजर आ रहा होगा काफ़ी सारे, तो इन सभी लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ड्रेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे में और काफ़ी सस्ता सुविधा में, बहुत ही सस्ता सुविधा में आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सुविधा इन लोगों के लिए है, जो कि इसी के लिए काफ़ी संख्या में लोग भी आते हैं। और पीछे भी आप देख सकते हैं यही मेट्रो स्टेशन है जहाँ से एग्जिट होंगे। एग्जिट होने के बाद आपका एक सामने जो है वो वाशरूम का सुविधा है, जहाँ पे आप वाशरूम वगैरह कर सकते हैं। देन फ्रेश होके आप फिर ये जो लोकेशन है यहाँ से पैदल आप जा सकते हैं। तो जस्ट बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। जब भी आप सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से एग्जिट होंगे उसी के बगल में है, तो आपको ज़रा सा भी वो नहीं होगा, 10 कदम है पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल जाएंगे तो आप मेट्रो स्टेशन के सामने ही जो है मार्केट वो स्टार्टिंग होता है और मार्केट पूरा घूमेंगे तो काफ़ी बड़े स्पेस में तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे पूरा मार्केट घूमने में। तो ये चीज़ें हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ आपको दिखाने वाले थे। और आपको बता दें कि यहाँ का जो नियरेस्ट है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वो भी आप जा सकते हैं, इसके साथ साथ सरोजनी नगर में रेड लाइट एरिया भी आप जा सकते हैं, जो कि यहाँ से नियरेस्ट में है वो भी आप घूम सकते हैं। तो ये पूरा दृश्य है, और भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ से आ रहे हैं न्यू दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं तो 20 से 30 रुपये आपको लगेगा, जो कि INA में उतरना और INA से चेंज करके फिर आप नेक्स्ट स्टॉपेज जो होता है वो सरोजनी नगर पड़ता है, पिंक लाइन में पड़ता है दोस्तों, पिंक लाइन में आपको उतरना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये वीडियो था खास करके आप लोगों के लिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी हम आपको अंदर भी ले चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। आपको मेट्रो के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए और कार्ड के साथ साथ आपके पास टोकन भी होना चाहिए, टोकन से भी आप सफ़र कर सकते हैं। मेट्रो से बाहर आने के बाद अगर आपको सरोजनी नगर के और भी कोई हिस्सों में जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो ऑटो लगी हुई है वो ऑटो आपको यहाँ से ले जाएगी। जहाँ भी आपको जिस लोकेशन में जाना है उस लोकेशन में यहाँ से आप जा सकते हैं और ऑटो वगैरह ले सकते हैं। तो ये पूरा नज़ारा था और हमारे पीछे ही देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं वो सारे शॉपिंग करके ही आ रहे हैं पीछे के लोकेशन में।
तो यहाँ से आप जा सकते हैं और आ सकते हैं और देख सकते हैं जो पीछे का नज़ारा है, जो मार्केट है वो घूम सकते हैं, काफ़ी टाइमिंग जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, और जो भी मटेरियल है अपना ड्रेसेस वगैरह उसके लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा फेमस है सरोजनी नगर मार्केट, तो वो ड्रेसेस वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं और देन आप जो है शॉपिंग वगैरह करके फिर घर जा सकते हैं। तो ये पूरा नज़ारा था पूरा यहाँ का इन्फॉर्मेशन था। ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप मेट्रो से बाहर आएंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा, और यहीं पे ये मार्केट है, ये जो अंदर आपको दिख रहा है सरोजनी नगर मार्केट, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, ये मेट्रो के जस्ट बगल पे है। मेट्रो जैसे ही आएंगे मेट्रो से बाहर निकलेंगे और मेट्रो से बाहर निकलने के बाद ही आपको ये लोकेशन मिल जाएगा जो कि पूरी तरीके से काफ़ी बड़ा क्षेत्र में है मार्केट, और यहाँ से स्टार्टिंग होता है सरोजनी नगर मार्केट, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है। तो ये मार्केट यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है ये पूरा सरोजनी नगर मार्केट का है और यहाँ से स्टार्टिंग होता है, पीछे भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो ये पूरा मार्केट है और मार्केट के बगल में ये जो है इस तरीके से, तो ये पूरा आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, आगे जाएंगे उधर से घूमेंगे काफ़ी बड़ा क्षेत्र में, काफ़ी लंबा क्षेत्र में पूरा मार्केट, आपको घूमने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और वो 2 से 3 घंटे में आप पूरा मार्केट घूम सकते हैं, देख सकते हैं और जो आपका खरीदारी है वो कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता सुविधा यहाँ पे मटेरियल जो है वो ड्रेसेस वगैरह आप ले सकते हैं काफ़ी कम दामों में।